तो दोस्तों देख सकते हैं आज हमारे पास है अल्ट्रा ब्रांड का वेट ग्राइंडर का जो ड्रम है, आप देख सकते हैं ये स्टोन है। एक्चुअली ये परफेक्ट है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक नॉब आता है जो कि टूट चुका है प्लास्टिक का, तो इस तरह का नॉब होता है। ये हम चेंज करके बताएंगे कि कैसे इसको चेंज करना है एंड कैसे चेंज करते हैं एंड ये कहाँ पे मिलेगा वो भी वीडियो के एंड में बता देंगे। तो सबसे पहले हम फटाफट से इसको चेंज करते हैं एंड आप पूरा वीडियो को देखिए, पूरा आपको जरूर समझ में आएगा। उसके लिए आपको पहले क्या क्या पार्ट्स की ज़रूरत होगी, उसके अलावा आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, मेन पार्ट्स ये चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे। एंड आपको एक हैमर की ज़रूरत पड़ेगी एंड प्लेन जिगजैग वाली नाइफ नहीं चाहिए, एकदम प्लेन नाइफ चाहिए, जो कि अगर आपके घर में शार्प एज जा चुकी है यानी कि वेस्ट चाकू है वो आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। एंड एक चाहिए एरो लाइट, जिसमें आप देख सकते हैं दो ट्यूब मिलती है इसमें, वो खोल के बताएंगे। मात्र इसकी 64 रुपी है। दोनों को मिक्स करके आपको इसमें लगाना होगा। एंड एक चाहिए आपको स्क्रू ड्राइवर, आप देख सकते हैं इस तरह का स्क्रू ड्राइवर चाहिए, ये मेन बहुत अहम भूमिका है इसकी एंड इसकी। तो चलिए बताते हैं, लेट्स सी। उल्टा करने के बाद उसके ऊपर इस तरह से कपड़ा उड़ा लीजिए ताकि जो भी ये प्लास्टिक हम हैमर के ऊपर मारेंगे तो ये प्लास्टिक आंख में न गिरेगा। सेफ्टी के लिए कपड़ा डाल दीजिएगा, उसके बाद में हैमर से मारना ऊपर के लिए धीरे धीरे। दोस्तों देख सकते हैं मैंने इसको तो जो है तोड़ दिया है, इसको कैसे निकालेंगे? अगर आप हैमर से इधर मारेंगे तो ये जो पत्थर है टूटने की संभावना रहती है, यानी कि टूट जाता है। हालांकि तो हमको क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर को तीखी नीलो जो सीज होती है उसको न पत्थर के ऊपर रखना है न प्लास्टिक के ऊपर, आपको सीधे सेंटर में रखना है जहाँ पर ये गम चिपका हुआ है यहाँ पर। तो हम इसको धीरे धीरे तोड़ के ये भी निकालेंगे, आपको बताएंगे कैसे तोड़ते हैं। तो कपड़ा ऊपर रखना आवश्यक है, नहीं तो आँख में गिरने की संभावना रहेगी। तो हम इसको मार करके कपड़ा इस तरह से ले लेते हैं धीरे धीरे, आप देख सकते हैं थोड़ा निकला है।
Gracias.